तो दोनों की ही बात आपने सुन ली। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी के नेता और अंजलि दमानी आम आदमी पार्टी की तरफ से बातचीत करने के लिए दोनों ही जुड़ गए हैं, दोनों से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले सुना देते हैं, बता देते हैं क्या कहा था प्रशांत भूषण ने अपने उस प्रस्ताव में। अगर बीजेपी 29 दिसंबर को हमारे दिए वादे के मुताबिक जन लोकपाल बिल लाने और जनसभाओं के गठन को लेकर लिखित आश्वासन देती है तो आम आदमी पार्टी उसे समर्थन देने पर विचार कर सकती है। हालांकि ये भी बताना बहुत जरूरी है कि कुछ ही देर पहले वो मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने कहा है मैंने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है, ना हम समर्थन देंगे ना समर्थन लेंगे। लेकिन बीते दिन ये उनका प्रस्ताव था जो बारशब्द हमने आपको बता दिया है। सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता जी आपका रुख करते हुए, अब सवाल ये है कि ना समर्थन देंगे ना समर्थन लेंगे, शायद पहली बार इतिहास में हम देख रहे हैं कि हर पार्टी विपक्ष में बैठना चाहती है। कोई तो रास्ता निकालिएगा क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो आप ही की है अंजना। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है क्योंकि हम सबसे बड़ा दल हैं, लेकिन अफसोस ये है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं हम किसी भी अनैतिकता पर विश्वास नहीं करते। हाँ, प्रशांत भूषण जी ने या किरण बेदी जी ने जो पहल की है हम उसका स्वागत करते हैं। अगर कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के बेसिस पर कोई वर्कआउट हो सकता है तो ज़रूर करना चाहिए, और उसमें ये जिद करना कि ना समर्थन देंगे ना लेंगे, यानी कि सैकड़ों करोड़ रुपये जनता का खर्च होकर के चुनाव हुआ है और लोग अब सरकार चाहते हैं, एंटी कांग्रेस पूरी वेव है, लोग कांग्रेस मुक्त दिल्ली चाहते हैं और कांग्रेस मुक्त दिल्ली हुई है, लेकिन लोगों की भावनाओं का ध्यान ना रख करके सिर्फ शुद्ध रूप से राजनीति करना और एक 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 गुबार खड़ा करना और लोगों को सॉल्यूशन ना देना, ये भावना साफ रूप से आम आदमी पार्टी की नज़र आ रही है। तो सिर्फ जैसे कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, मेरी कोशिश नहीं है कि सूरत बदलनी चाहिए। ऐसी बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में विजेंद्र जी ने कहा है, करना मेरा मकसद, इसका जवाब दीजिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। विजेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है कि आप इतना कुछ जानते हो हमारे बारे में, तो ये भी तो जान लीजिए कि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सिर्फ एक ही है और वो हमारा मकसद, जो हम बार बार कहते हैं, जो आपने अभी अभी कहा, हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम एक तो भ्रष्टाचार नहीं चाहते, क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में नहीं होने चाहिए। इसके लिए जो जनलोकपाल बिल हम लाना चाहते थे जो आपने लाने नहीं दिया, कांग्रेस ने प्रॉमिस किया, आपने भी प्रॉमिस किया, वो आपने लाने नहीं दिया, तो वो जनलोकपाल बिल हम लाना चाहते हैं। क्या आपके कॉमन प्रोग्राम में ये है? इस तरह की भाषा जब प्रशांत भूषण जी ने कही तो उसे ट्विस्ट किया गया, मरोड़ा गया। बड़ी विनम्रता से हम आपको कहते हैं कि हमें अपना काम करने दीजिए, आप आपकी राजनीति कूटनीति जो भी करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। विजेंद्र जी, जी अंजना, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी लोकपाल बिल के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी की पहल पर संसद के अंदर वो मुद्दा गर्म हुआ था और एक तरह से विजेंद्र जी पक्ष में है से बहुत आगे निकल चुकी है। डेडलाइन, एक टाइमलाइन चाहिए, क्या वो देने की स्थिति में है? मैं मुझे अपनी, देखिए अंजना, मैं आपसे दूर बैठा हूँ इसलिए अंजना जी मैं आपसे दूर बैठा हूँ, कृपया मुझे मौका दीजिए, क्योंकि आप तो स्टूडियो में हैं, आप अच्छी तरह अपनी बात कह सकती हैं, मुझे ना मेरे सामने टीवी है ना कुछ है, मैं सिर्फ कैमरे की तरफ देख करके बोल रहा हूँ। कृपया करके मेरी परिस्थितियों पर ध्यान दे करके मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिए। मैं, देखिए ये भ्रांति पैदा की जा रही है। पहली बात मैंने कहा ना, ये शुद्ध रूप से ये लोग अब राजनीति कर रहे हैं। पहली बात ये है कि उस समय जब आंदोलन हुआ था, आंदोलन को पूरा खुला समर्थन हमने दिया था, हमारे सभी कार्यकर्ता अन्ना जी के साथ लगे थे और संसद के अंदर भी अन्ना जी का प्रतिनिधित्व हमने किया था, हमने सरकार को घेरा था और सरकार को मजबूर किया था कि वो जन लोकपाल बिल लागू करे, पहली बात। दूसरा, अब भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम लोकपाल बिल के पक्षधर हैं और पूरी तरह से बैठकर टेबल पर ये तय हो सकता है कि लोकपाल बिल लागू किया जाए, और हमने उस पर काम किया। उत्तराखंड में जो लोकपाल बिल लागू हुआ था, खुद अन्ना जी वहां जाकर के खंडूरी जी को बधाई देकर के आए थे, उनका स्वागत किया था और कहा था कि सिर्फ एक सरकार ने हमारे लोकपाल बिल को लागू किया है। जो लोकपाल बिल उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया, हाँ। और जिसका अभिनंदन अन्ना जी ने जाकर खुद किया, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की विधिवत
ऑन रिकॉर्ड इस बात को खुले रूप से कहता हूं कि हम उस लोकपाल बिल को दिल्ली में लागू करेंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जहां तक मोहल्ला समितियों की बात है उस पर तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो में वो है, नगर निगम में हमारा प्रस्ताव है। तो ये पारदर्शिता, करप्शन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और दिल्ली और कांग्रेस मुक्त दिल्ली, ये हमारा सबका एक भारतीय जनता पार्टी का एक ऐलान है, कमिटमेंट है और हम इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। ठीक है, अंजलि दमानिया जी, उन्होंने भी कुछ मुख्य बातें कही, टेबल पर आकर बैठकर बात करने की बात, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, अब आप इसे भी तो थोड़ा तोड़िए बरोड़िए, क्योंकि जो प्रशांत जी कहना चाहते थे उस बात को बिल्कुल अलग ढंग से, जो दो दिन से, कल से और आज, कल और आज जो दिन दिखाया जा रहा है वो गलत बात है। अगर अभी जो विजेंद्र जी ने कहा, मैं उस पर कहना चाहूंगी कि साहब ये बिल नई बात नहीं है, 40 साल में ये पार्लियामेंट में 8 बार टेबल हो चुका था, तो भाजपा ने उसको लाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप अगर कहते हैं कि आपने इसे लाने की कोशिश की, सरकार को घेर लिया, आप बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ सकते थे। साहब आपने तो लिख के दिया था कि आप इस जनलोक पर बिल को लाएंगे, आपके सब लीडर्स ने लिख के दिया था। फिर आप कहते हैं कि अगर इसे आप लोकायुक्त एक जगह लाए, अन्ना जी ने उसका समर्थन किया, तो साहब आप ही के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट जो मोदी जी है वो ये गुजरात में क्यों नहीं ला सकते? आपके बाकी के स्टेट में ये क्यों नहीं हो रहा? तो आप अगर सचमुच इस जनलोकपाल बिल की बात करते हो, तो आपके गडकरी जी जो स्टेटमेंट देते हैं कि क्रिमिनल्स को लाए बिना इलेक्शन हम नहीं लड़ सकते, ऐसे लोगों के साथ किस प्रकार का कोई समर्थन, संगठन कुछ नहीं बन सकता। हमें इस प्रकार के कोई लोगों से कोई अलायंस नहीं करना, कोई संगठन नहीं करना, किसी को सपोर्ट ना देना है। ठीक है अंजलि जी, हम बातचीत की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में, जैसा कि बीते दिन भी मैं कह रही थी, विरोध अगर जरूरी है, आंदोलन जरूरी है, तो रास्ता निकालना भी उतना अहम होता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट नहीं डाला है। पहला फर्स्ट कर्तव्य हमारा ये बनता है कि हम ये जनलोकपाल बिल, जो लोकायुक्त बिल है, उसे लाए और तुरंत से लाए। पर हम कैसे लाएंगे? हमारे सामने कोई अदर्स नहीं है, सिर्फ कांग्रेस है और बीजेपी है। ना कांग्रेस लाने देगा ना बीजेपी। किस प्रकार की माइनॉरिटी गवर्नमेंट, क्या बातों की? मिलकर हम दिल्ली की जनता की पूरी ईमानदारी से, पूरे निस्वार्थ भाव से, अपनी योग्यता अनुभव का इस्तेमाल करके निरंतरता के साथ सेवा करते रहेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को उनकी तकलीफ दूर करने में हम उनके साथी बने, दिल्ली के हितों की रक्षा करने के लिए हम उनके साथी बने। और हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि मैं और मेरे सभी साथी, दिल्ली की जनता ने जो विश्वास उनमें व्यक्त किया है, उस विश्वास को अपनी शक्ति, अपनी संपत्ति मानकर उसकी पूरी गंभीरता और गहराई से रक्षा करेंगे और दिल्ली की जनता को कभी इस बात के लिए शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी कि उन्होंने किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना है। एलजी ने आप लोगों को बुलाया, क्या सरकार बनाने के लिए पहल करेंगे? नहीं, हमारे पास कोई इस तरह की जानकारी नहीं। क्या सरकार बनाने की पहल करेंगे? ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ आपको कि जब हमारे पास पर्याप्त नंबर नहीं है तो हमारी तरफ से किसी भी किस्म की पहल का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और किसी भी तरह की जोड़ तोड़ करने के अंदर हमारा ना विश्वास है ना वो हमारी नीति का अंग है। राष्ट्रपति शासन के लिए तैयार है? अब हो गया बेटा, अब हो गया।